श्री विष्णु सहस्त्र नामनो पाठ। अंतविनाना हजारों स्वरूपवाला हजारों चरण मस्तक साथळ अने बाहुवाला परमात्माने नमस्कार हो। हजार नामवाला अने हजार कोटि युगने धारण करनार एवा शाश्वत ब्रह्म पुरुषने नमस्कार हो। जेनी नाभिमा कमळ एवा भगवान विष्णुने नमस्कार हो। जलमा शयन करनार श्री विष्णु भगवानने नमस्कार हो। हे केशव, हे वासुदेव, आपने नमस्कार हो। वासुदेवनी प्रार्थना थी त्रणेय लोक वासनावाळा छे अने जे सर्वे प्राणी पदार्थना निवासस्थान छे एवा हे वासुदेव आपने नमस्कार हो। ब्रह्म स्वरूप अने मां गौ ब्राह्मणनू हित करनार एवा देवने नमस्कार हो। जगतनू हित करनार श्री कृष्णने नमस्कार हो। गोविंद स्वरूपने नमस्कार हो। जेम आकाशमांथी पृथ्वी पर पड़ेलू पहेलू पाणी समुद्रमां जाय छे तेम बधा देवोने करेला नमस्कार भगवान केशव प्रति जाय छे। जेमां श्री हरिनू पूजन थाय छे एवो आ मार्ग निष्कुंठ छे अने श्री हरिना भजन पूजन विनाना मार्गने कुमार्ग जाणवो। बधा वेदों जाणवाथी जे पुण्य थाय छे अने ते सर्व तीर्थयात्राथी जे फल मळे छे ते समग्र फल दुष्टोनो नाश करनार श्री विष्णु भगवानी स्तुति श्रद्धापूर्वक करवाथी मळे छे। जे मनुष्य श्री हरिना मंदिर में नित्य त्रण वार प्रभात मध्याहन अने सायंकाळ एम बे वार के एक वार पण आ विष्णु सहस्त्र नामनो पाठ करे छे तेना सर्व पाप कर्मो नाश पामे छे। जे मनुष्य आ स्त्रोतनो पाठ भावभक्ति थी करे छे तेना शत्रुओ बळी जाय छे। तेना पर सर्वे उपग्रहो शांत रहे छे अने तेना सर्वे पाप विनाश पामे छे। अने श्रद्धा भक्तिपूर्वक आ स्त्रोतनु ध्यान कर्यु के पाठ श्रवण कर्यो होय तेने दरेक प्रकारनी पूजा करी एम समझवू। जे मनुष्य दरेक बारसना दिवसे मारी समीप आ सहस्त्र नामनो पाठ करे छे तेने आ लोक के परलोक में कोईपण ठेकाणे भय रहेतो नथी अने तेना करोड़ों कल्पनाना पाप धीमे धीमे बळी जाय छे। हे अर्जुन, जे मनुष्य दरेक बारसे दिवसे मारी समीप बेसीने आ विष्णु सहस्त्र नामनो पाठ करे छे तेने करोड़ों गायोना दान आप्यानुं फल पामे छे। वळी जे मनुष्य नित्य शिवालयमां के तुलसीना वनमां बेसीने नित्य श्री विष्णु सहस्त्र नामनो पाठ करे छे तेना सर्व पाप अने दुःख नाश पामे छे अने मोक्ष पामे छे। अने तेणे ब्रह्म इत्यादि घोर पाप कर्या होय तो ते पण सर्व नाश पामे छे एवं चक्रधारी श्री विष्णु भगवाननुं वचन आपेल छे।